हेलो एवरीवन, दिस इज दिलीप। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, ये है हाउ टू स्पीक विदाउट ट्रांसलेट। अक्सर हम जब भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हर बार हम अपनी इंग्लिश को बोलने से पहले कुछ ना कुछ हिंदी में सोचते हैं और फिर ट्रांसलेट करते हैं और फिर प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ कि बिना ट्रांसलेट करे आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कि क्या वो तरीका हो सकता है कि जब हम किसी से इंग्लिश में बात करना चाहें तो हम हिंदी में ट्रांसलेट ही ना करें और डायरेक्ट बोलते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, मतलब ग्राउंड लेवल से। सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सुनते हैं और बोल देते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी से भी पूछे जाए तो वो इनका तुरंत जवाब देता है, वो ये नहीं सोचता कि वो इसकी इंग्लिश कैसे बोलेगा। देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, ये एक ऐसा क्वेश्चन है अगर आप किसी से भी पूछ लें तो वो तुरंत जवाब दे देगा, माय नेम इज, अपना नाम बोल देगा वो, माय नेम इज दिलीप साहनी। अगर वो किसी भी इंसान से आप ये क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज योर नेम, वो बिना सोचे, यहाँ पर आप देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, वो बिना सोचे जैसे आपने बोला व्हाट इज योर नेम तो उसने तुरंत जवाब दिया माय नेम इज दिलीप साहनी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ आर यू, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अब जब उसने पूछा हाउ आर यू तो उसे तुरंत जवाब मिला आई एम फाइन। ये कहां से आया, क्या कोई उसने ट्रांसलेशन की अपने दिमाग में, नहीं, उसे पता चला कि हाउ आर यू का जवाब आता है आई एम फाइन, तो इस तरीके से जवाब दिया। तीसरा, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मतलब क्या हाल है, तो उसने कहा ऑल गुड, मतलब सब ठीक है। तो ये जरा सोचिए, ये थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं आपको जीरो से दिखाने चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलता है कि कहाँ पर आप ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ये तो जरूर पता चल गया हो कि हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, केवल वे तरीका आना चाहिए कि हाउ टू स्पीक विदाउट ट्रांसलेट, वही मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर वन, करना क्या है, देखते हैं। स्टेप नंबर वन, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में जवाब दें, मतलब आपसे जिस टेंस में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है आप उसी टेंस में जवाब दीजिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट में किया गया है तो आपको आंसर भी प्रेजेंट में देना है, अगर आपसे पास्ट में क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप पास्ट में ही उसे आंसर दें। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूं करना कैसे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है मैंने, डू यू प्ले क्रिकेट, वो क्वेश्चन है मेरा, डू यानी कि प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, उसने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप आंसर दीजिए यस आई प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, खाली क्वेश्चन किया डू यू प्ले क्रिकेट, तो यू यानी कि आप हैं, यहाँ पर मैंने यस, अगर आप कहते हो यस किया मैंने, यू को आई किया और पूरा यही उतार दिया यस आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर मुझे किसी तरीके का ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ रहा है। नंबर टू, डज योर फादर गो टू ऑफिस, इसका आंसर आया नो, ही डजंट गो टू ऑफिस बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। तो यहां पर आपने देखा कि जिस सेंटेंस को जिस टेंस में बोला जा रहा है मैं केवल उसी टेंस में आंसरेबल बना रहा हूं, आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। लेट्स सी स्टेप नंबर टू, जिस एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाए उसी एक्सिलरी वर्ब से जवाब दें, यानी कि जिस भी एक्सिलरी वर्ब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जब जवाब देना है तो उसी एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है, किसी और एक्सिलरी वर्ब का नहीं करना है। एग्जांपल देख लेते हैं, हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, ओके, अब मैं इसे कोई ट्रांसलेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको, आंसर आया आई हैव प्लेड, देखिए यू आपसे पूछा आपने कहा आई, एक्सिलरी वर्ब लगा हुआ इसमें है, यहाँ पर भी है लगा है, आई हैव बी थ्री है तो बी थ्री लगा दिया, आई हैव प्लेड मैनी टाइम्स, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जिस भी एक्सिलरी वर्ब में आपसे क्वेश्चन किया जाता है इंग्लिश में आप केवल उसी एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और जो बोला जा रहा है जस्ट वही रिप्लाई कर दीजिए और आप बोल पाएंगे, डेफिनेटली बोल पाएंगे। आगे देखते हैं, लेकिन पास्ट में जवाब देते वक्त वी टू का इस्तेमाल करें। पास्ट में कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जवाब देना है। यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने कहा जिस एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन होता है उसी एक्सिलरी वर्ब में जवाब देना होता है,
अगर आप इस तरीके से जवाब देंगे, Have you ever played cricket? अगर आप इस तरीके से जवाब दिया I am play many times, तो ये आपका absolutely गलत तरीका है इंग्लिश को बोलने का। उसे गलत करेंगे, उसे सही करेंगे। ओके, पास्ट में हम क्या करते हैं? What did sir teach yesterday? मैं आपको हिंदी नहीं बताने जा रहा, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, What did sir teach yesterday? को आप इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे बिना सोचे हिंदी में ट्रांसलेट करें। मैंने अभी आपको बताया, जब भी पास्ट में कोई क्वेश्चन आए तो उसको वी टू से आंसर कर दीजिए। What did sir teach yesterday? सब्जेक्ट मेरा सर है, सर को ले लिया, सर ने क्या किया टीच, क्योंकि हमें डिड लगा है, मुझे वी टू से आंसर देना है, टीच का सेकंड फॉर्म लगा है, टॉट इंग्लिश ग्रामर, दैट्स इट। What did sir teach yesterday? तो आपने कह देना है सर टॉट इंग्लिश ग्रामर यस्टरडे। देखा आपने कितना आसान है इंग्लिश को बोल पाना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता चला जा रहा हूं, बस आप जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आ रहा है ना मुझे आपको, और भी आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप, देखते हैं स्टेप नंबर तीन क्या दिखाता है। स्टेप नंबर तीन, क्वेश्चन जिससे पूछा जा रहा है, यानी जब भी क्वेश्चन जिससे पूछा जा रहा है इन इंग्लिश, उसे ही आंसर देते समय सब्जेक्ट बना दें। मान के चलिए जिसके बारे में क्वेश्चन किया गया या जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है, आंसर जब देंगे इंग्लिश में उसे ही हमें सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। देखते हैं, वेयर इज शी गोइंग, पहला मैंने आपको बताया, जिस टेंस में पूछा जाए उसी टेंस में, जिस एक्सिलरी वर्ब से पूछा जाए उसी एक्सिलरी वर्ब में जवाब देंगे, दो स्टेप बता चुका। अब ये तीसरा बता रहा हूं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए उसे ही सब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए, वेयर इज शी गोइंग, ओके, तो मैंने लिखा शी इज गो टू मार्केट, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मेरी शी गोइंग यहाँ वी फोर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर वी वन लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मैं सही देखू यहाँ पर, देखिए वेयर इज शी, इसी के बारे में बात हो रही है, इसी को सब्जेक्ट में लिखा, दोनों में सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन यहाँ पर वी वन लगाया है, यहाँ पर वी फोर लगाया है, शी इज गोइंग टू मार्केट। तो देखा आपने कितना आसान हो जाता है अगर आपको कुछ आसान से स्टेप्स बता दिए जाएं इंग्लिश को बोलने के। तो अभी तो ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, ओके, अगर इस बेसिक को आप पकड़ लें तो यकीन मानिए डेफिनेटली आप एक दिन स्पोकन की दुनिया में हंगामा मचा देंगे, एक दिन आप खुद बोल पड़ेंगे, आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, ओके। अगर आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।